नमस्कार शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के 10वें पाठ जलवायु के बारे में जानेंगे। जलवायु, आप जानते हैं कि भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है, तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर मानसून क्या है, मानसून का रचना तंत्र कैसा है, मानसून की रचना कैसे होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम अथवा ऋतु। वर्ष के दौरान पवनों की ऋतुवत अंतर या ऋतु के अनुसार उनमें परिवर्तन ही मानसून के रूप में जाना जाता है। हम जानते हैं कि उत्तर भारत के मैदान मई के महीने में बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर तापमान 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक हो जाते हैं। आप इस मानचित्र में देखेंगे कि तापमान उत्तर भारत में अधिक है और जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाएंगे तापमान कम होते जाते हैं। वो समुद्र के अनुकूलन प्रभाव है। इसमें आप देखेंगे कि एक गर्त दिखाई दे रहा है आपको। ये गर्त पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर से लेकर उड़ीसा के बालासोर तक स्थित है। इस गर्त का अर्थ है कि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक है और वायुदाब बहुत कम है। इस वायुदाब के कम होने के कारण यहाँ पर पवनें इस दिशा की ओर चलती हैं, उस स्थान से जहाँ वायुदाब अधिक होता है। ठीक इसके विपरीत समुद्र पर वायुदाब अधिक होता है। क्यों होता है? कि जल देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है, इसलिए अपेक्षाकृत इस मौसम में मई के महीने में समुद्र के ऊपर तापमान कम होता है, इसलिए वायुदाब अधिक होता है। इस वायुदाब के अंतर के कारण क्या आप जानते हैं क्या होगा? कि वायु पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। इस तरह से वायुदाब में अंतर के कारण पवने समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती हैं। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये दिशा ठीक सर्दियों में चलने वाली पवनों के विपरीत होती है। आप जानते हैं सर्दियों में पवनों की दिशा क्या होती है? सर्दियों में होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इस वायु के उत्क्रमण को ही हम मानसून के रूप में जानते हैं। इसमें आप देखेंगे मानचित्र में पवनों की दिशा, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये दिशा ठीक सर्दियों में चलने वाली पवनों की दिशा के विपरीत है। पवनों के इस उत्क्रमण को ही हम मानसून के रूप में जानते हैं। चूंकि ये पवनें आप देख रहे हैं कि समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, इसलिए ये नमी से परिपूर्ण होती हैं और जब ये स्थल पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक व्यापक रूप से वर्षा करती हैं। इस तरीके से आपने देखा कि स्थल पर उस समय बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक तापमान होते हैं। अधिक तापमान होने के कारण वायुदाब कम होता है। ठीक इसके विपरीत समुद्र पर अपेक्षाकृत तापमान कम होता है, वायुदाब अधिक होता है, इसलिए उच्च वायुदाब से पवने निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं, यानी समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। चूँकि ये नमी से परिपूर्ण होती हैं, चूँकि इनका जन्म समुद्र के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में होता है, वहाँ से जब ये चलती हैं तो वहाँ से ये नमी धारण कर लेती हैं और ये नम पवने जब स्थल पर पहुँचती हैं तो व्यापक रूप से वर्षा करती हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ये वर्षा कहीं ज़्यादा होती है और कहीं पर कम होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती, इसमें बाधा भी आ सकती है। इस तरीके से आपने देखा कि हमारी पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जो सर्दियों में चलने वाली पवनों के बिल्कुल विपरीत हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं: स्थान,
समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वत श्रेणियाँ, धरातलीय पवनों की दिशा, ऊपरी वायु धाराएं। अब हम इनको एक एक करके ही समझने का प्रयत्न करते हैं। स्थान, जो स्थान भूमध्य रेखा के निकट होते हैं वहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलने के कारण गर्मी अधिक होती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। अब हम भारत का उदाहरण लेते हैं। दक्षिण भारत में गर्मी अधिक होती है, उत्तर भारत में कम। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। आप देखेंगे कि ये दक्षिण का भाग भूमध्य रेखा के निकट है। कर्क व्रत इसके बिल्कुल मध्य से गुजरता है, तो कर्क व्रत और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है और इसके उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में हरियाणा की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे भी आप देखेंगे कि बहुत से अन्य कारकों का भी प्रभाव इस पर पड़ता है, लेकिन मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वो उत्तर भारत के राज्यों से ज़्यादा गर्म होते हैं। दूसरा है समुद्र तट से दूरी। जो स्थान समुद्र तट से दूर होते हैं वहाँ की जलवायु विषम होती है, और जो इसके निकट होते हैं वहाँ पर समुद्र के अनुकूलन प्रभाव के कारण वहाँ की जलवायु सम होती है। आप एक उदाहरण ले सकते हैं। दिल्ली समुद्र तट से बहुत दूर है इसलिए यहाँ की जलवायु विषम है। विषम से मतलब है मेरा गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सर्दी पड़ती है। ठीक इसके विपरीत आज तिरुवनंतपुरम या बम्बई का या कलकत्ता का या चेन्नई का उदाहरण लें तो वहाँ पर समुद्र के अनुकूलन प्रभाव के कारण वहाँ पर जलवायु सम होती है। वहाँ पर न गर्मी और सर्दी में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तीसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। जो स्थान समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होता है वहाँ पर ठंड अधिक होती है। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी, तापमान कम होता जाएगा। एक अनुमान के अनुसार 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब आप देखेंगे कि शिमला की अपेक्षा लुधियाना अधिक गर्म है क्योंकि लुधियाना मैदान है और जबकि शिमला हिमालयी क्षेत्र में है। एक ही अक्षांश पर होते हुए भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जो जिनमें तापमान में अंतर होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया लुधियाना और शिमला का। चौथा है पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रेणियाँ भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब आप हिमालय का उदाहरण ही ले सकते हैं। हिमालय के कारण हमारा बचाव होता है उन मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से। ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो शायद उत्तर भारत के मैदान में सर्दियों में बर्फ़ जमती और यहाँ रहना दूभर हो जाता। इसके अतिरिक्त भी हिमालय पर्वत जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने हैं उनको रोककर वर्षा करने में मदद करते हैं। यही बात हम पश्चिमी घाट पर भी लागू कर सकते हैं। पश्चिमी घाट भी मानसूनी पवनों को रोककर पश्चिमी घाट के पश्चिम में खूब वर्षा कराते हैं, और जब ये मानसूनी पवने उनको पार कर लेती हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है। इस तरीके से ये भी मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराते हैं। इसके अतिरिक्त धरातलीय पवने जो होती हैं, धरातलीय पवनों की दिशा भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। हमने अभी तक पहले भी पढ़ा कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवने चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पवने चलती हैं जो वर्षा कराती हैं, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली पवने शुष्क होती हैं क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, और जब ये बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर लेती हैं तो ये इस नमी को बरसात के रूप में तमिलनाडु के तट पर छोड़ती हैं या वहाँ वर्षा कराती हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी पवनों से व्यापक रूप से भारत में वर्षा होती है।
ये बात अलग है कि कहीं वर्षा कम होती है, कहीं अधिक होती है। तो धरातलीय पवनों की दिशा भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जो वायु धाराएं हैं, जो ऊपर जेट स्ट्रीम है या ऊपरी पवन धाराएं हैं, वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये जेट स्ट्रीम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वायु धाराएं एक बहुत संकरी पेटी में बहुत तेज गति से चलती हैं, इसलिए इनको जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये जेट स्ट्रीम सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभों को भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में लाने में मदद करती हैं, और उन पश्चिमी विक्षोभों से मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है, हल्की वर्षा ही होती है, और पहाड़ी ढलानों पर उससे हिमपात होता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इससे सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त गर्मियों में ये उत्तर की ओर खिसक जाती है, और उत्तर की ओर खिसकने के कारण ये ऐसा माहौल पैदा करती है जिससे कि मानसून को आने में मदद मिलती है। अथवा आप कह सकते हैं कि मानसून को विलंब अथवा जल्दी लाने में ये मदद करती है। इसकी स्थिति से ये पता चलता है कि वो मानसून जल्दी आएगा या देर से आएगा। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इस तरीके से आज हमने जाना कि मानसून का रचना तंत्र क्या है, और मानसून किस तरीके से काम करता है, मानसून कैसे बनता है। हालांकि मैं अगर मोटे शब्दों में कहूं तो स्थल और समुद्र समीर के दोनों के संयुक्त प्रभाव को ही हम मानसून के रूप में जानते हैं। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना बनिए प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। शिक्षा परीक्षा ताब
पर ही क्यों मिलता फिर भी शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर फिर दुनिया में इसके केंद्र बात कोई मन चाहा केंद्र चुनी हम अपना जी स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुनी कोई मन चाहा केंद्र चुनी नमस्कार शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में एक बार आपका फिर स्वागत है। हमारी जलवायु मानसूनी है, इसलिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक था कि हम इसे मानसून क्यों कहते हैं, मानसून का कैसे रचना होती है। मानसून की हमने ये भी जाना था कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं। कोई एक कारक ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि बहुत से कारक मिलकर भी प्रभावित करते हैं। एक कारक एक जगह प्रभावी हो सकता है, बहुत से कारक एक दूसरे जगह प्रभावी हो सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मौसम का चक्र क्या है। मानसूनी जलवायु की विशेषता ही ये है कि यहाँ पर बहुत सी ऋतुएँ हैं। भारत भौगोलिक विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर बहुत से मौसम मिलते हैं। मुख्य रूप से हमारे चार मौसम हैं। कौन कौन से हैं? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु और पीछे लौटते मानसून की ऋतु। हम पहले शीत ऋतु से प्रारंभ करते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के बीच होती है। इस समय तापमान उत्तर भारत में बहुत कम होते हैं। तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ते जाते हैं। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पाला भी पड़ता है। तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक औसतन रहते हैं। इस समय बहुत अधिक ठंड पड़ती है और दिन छोटे होते हैं। इस समय जो पवनें होती हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और ये पवनें शुष्क होती हैं, इनमें नमी नहीं होती, इसलिए ये वर्षा नहीं करती। लेकिन इस समय पश्चिमी विक्षोभों से ज़रूर वर्षा होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आते हैं, भूमध्य सागर में जन्म लेते हैं और उसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए फारस की खाड़ी से ये नमी ग्रहण करते हैं और हमारे यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करते हैं। ये विक्षोभ द्वारा जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। यही नहीं, ये विक्षोभ हिमालयी तराई वाले क्षेत्रों में हिमपात करते हैं, इससे हिमपात होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। इसके बाद फरवरी के अंत से तापमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ते हैं और बहुत अधिक उत्तर पश्चिमी भारत का भाग बहुत अधिक गर्म होने लगता है। यहाँ पर धूल भरी
आंधियाँ चलती हैं और बहुत अधिक जब गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। लू बहुत अधिक खतरनाक होती है क्योंकि ये कभी कभी इनसे मौत तक हो जाती है। इस समय कहीं कहीं गरज के साथ घनघोर बारिश भी होती है, मूसलाधार भी बारिश होती है और तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और कभी कभी मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है वो केरल और कर्नाटक में आमों के पकने में मदद गर्व होती है, इसलिए हम इसे आम्रवृष्टि भी कहते हैं। ये ऐसा समय होता है जब मानसून आने को होता है और गर्मी की ऋतु लगभग जाने को होती है। गर्मी की ऋतु मार्च, अप्रैल और मई तक होती है। मई के अंत में मानसून पूर्व बारिश होने लगती है क्योंकि मई के अंतिम सप्ताह में अंडमान निकोबार में वर्षा होने लगती है। अब हम देखेंगे कि आगे बढ़ते मानसून की ऋतु है वो कैसी होती है और कब से कब होती है। जून से सितंबर तक आगे बढ़ते मानसून की ऋतु है। इस समय पूरे भारत में वर्षा होती है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल तट पर वर्षा होती है और केरल तट पर जो वर्षा होती है, अचानक वर्षा होती है, उसे मानसून का प्रस्फुटन या फटना भी कहते हैं। ये मानसून अगर आप मानचित्र में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे भारत की बनावट के कारण दक्षिणी पश्चिमी पवनें दो भागों में बढ़ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की मानसून और अरब सागर की शाखा, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। अरब सागर की जो शाखा है वो आगे बढ़ते हुए तीन तरफ से धरातल में प्रवेश करती है, तीन तरफ से भारत में प्रवेश करती है, एक पश्चिमी घाट से, एक रन ऑफ कच्छ से और एक जो शाखा है, उपशाखा है, वो अरावली पर्वत के साथ साथ जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अरब सागर की शाखा है उसका सबसे पहला जो भाग है वो पश्चिमी घाट पर वर्षा करता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में। जब ये नमी अपनी लगभग छोड़ देती हैं तब ये हल्की हो जाती हैं और हल्की होने के कारण ये उनको पार करती हैं, लेकिन पूर्व में यानी मध्य प्रदेश और मध्य दक्कन का भाग वहाँ पर ये वर्षा बहुत कम करती हैं। क्यों करती हैं ये आप जानते हैं कि ये वृष्ट छाया प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। दूसरी शाखा रन ऑफ कच्छ से होकर चलती है और ये नर्मदा और तापी घाटी में होते हुए मध्य प्रदेश वगैरह में वर्षा करती है, लेकिन यहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होती है। उसी तरीके से आप देखेंगे तीसरी उपशाखा इसकी जो अरावली पर्वत के साथ साथ चलती है, वो चलते हुए अरावली पर्वत चूँकि इसके समानांतर है इसलिए ये इसको अवरोध के रूप में काम नहीं कर पाता है और राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और ये वर्षा उत्तर पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है या उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में होती है जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के कुछ भागों में भी इससे वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधे उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा करती है और उनमें भी जो गारो खासी जयंतियाँ हैं वहाँ वर्षा होती है। यहीं पर वो स्थान है जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मौसमराम, जो चेरापूंजी के निकट है। अब तक चेरापूंजी को समझा जाता था कि यहाँ पर सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन यह है मौसमराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर जब ये वर्षा कर देती हैं तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और उसे हिमालय पर्वत को साथ साथ ऊपर उठती हैं, लेकिन ये पार नहीं कर पाती, इसलिए ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और पश्चिम की ओर मुड़ते हुए ये वर्षा करती हैं। अब आप देखेंगे कि अगर आप कलकत्ता, इलाहाबाद और दिल्ली का वर्षा की मात्रा देखें तो आप पाएंगे कि तीनों में बहुत अंतर है।
कलकत्ता में ज़्यादा बारिश होती है, इलाहाबाद में उससे कम होती है और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। यानी आप कह सकते हैं मोटे तौर से कि जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। वैसे ही जैसे पश्चिमी घाट पर मैंने बताया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसमें एक शाखा उपशाखा हल्दिया के पास से यानी गुजरती है जो इस पठारी क्षेत्र में वर्षा करती है। यहाँ पर भी वर्षा जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। आप देखेंगे कि इस मानसूनी वर्षा यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है वो वर्षा की मात्रा बहुत असमान है। इस मानचित्र में आप देखेंगे कि वर्षा की मात्रा पूरे भारतवर्ष में अलग अलग है। जहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, पश्चिमी घाट पर ज़्यादा है। जो उच्च वर्षा के क्षेत्र हैं वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कम, आप कलर देख रहे हैं, एक गहरा कलर है जो जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, एक उससे कम गहरा है, यहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। इससे भी हल्का जो कलर है वहाँ पर वर्षा 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और जो सफ़ेद भाग है, आप बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, जो सफ़ेद भाग है मध्य भारत और भारत का पश्चिमी भाग यानी जिसमें राजस्थान वगैरह शामिल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं, यहाँ पर वर्षा की मात्रा 60 सेंटीमीटर से कम होती है। इस तरीके से आप देखते हैं कि वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्षा अनियमित है, असमान है, और आप देखेंगे कि ये कभी जल्दी होती है और कभी देर से होती है। अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटने लगता है। अक्टूबर में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन चूंकि धरातल में नमी होती है इसलिए बहुत अधिक उमस होती है। इसे हम क्वार की उमस भी कहते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मानचित्र में देखेंगे कि जो स्थान सबसे बाद में वर्षा प्राप्त करते हैं वहाँ से मानसून सबसे पहले लौटता है, और जहाँ सबसे पहले आता है वहाँ सबसे बाद में लौटता है। 15 नवंबर तक मानसून बिल्कुल लौट जाता है और आप कह सकते हैं कि पवनों का बिल्कुल उत्क्रमण हो जाता है। यानी अब धीरे धीरे जो उत्तर पूर्वी पवने हैं वो दक्षिणी पश्चिमी पवनों का स्थान ग्रहण करने लगती हैं। अक्टूबर में भी जो रात हैं वो सुहानी होती हैं और दिन गर्म होता है। नवंबर में स्थिति बदल जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में 4 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु और लौटते हुए मानसून की ऋतु। वर्षा की मात्रा आसमान है। मानसून की जो विशेषताएं हैं, मानसून स्थायी पवने नहीं है, हमने पहले भी बताया है आपको। मानसून कभी जल्दी आता है और कभी देर से आता है। आप देखेंगे कि मानसून समान रूप से वितरित नहीं है, वर्षा भी आसमान है। इसके अतिरिक्त केरल में सबसे पहले मानसून आता है जून के प्रथम सप्ताह में, और मानसून जब वर्षा आती है तो उसको मानसून का प्रस्फटन या मानसून का फटना कहते हैं।